और ये पिजन है, अभी भाई विसल दे रहे थे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लहिए के करीब एक विलेज में, और ये सेटअप आपके सामने है, ये लॉफ्ट बना हुआ है। कि था जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जी लॉफ्ट है रूफ के ऊपर, और ये लॉफ्ट के अंदर कुछ पिजन्स हैं। ये अभी ट्रेंड पिजन्स तो नहीं है, ये अभी इनको रखा हुआ है। ये फोर पिजन्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। सॉरी, ये एक इधर साइड पे भी बैठा है। पांच, अगर आप लोग लेना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं लोगों से। ये जी बाजरा है जो इनको डाला जाता है, और ये दुगज़ा जिसको हम लोग लोकल ज़बान में बोलते हैं कबूतर पकड़ने वाली जाली, इससे ये ट्रैप करते हैं पिजन्स को, और ये बड़े टेक्निकल स्टाइल से इनको मारते हैं पिजन्स को, ताकि इनके जो पंख हैं उनको भी नुकसान ना हो। जड़े कबूतर बिल्ली नहीं मार पाती, मेरी वीडियो बड़ी चल रही है। अच्छा मरवाऊं तो होगा ना ना मरवाऊं इवें भाई चांस मोए पे हुंदन तो बंदा दसा लेंदे हां चलो बड़ा बनाओ कलर रखी पाए नौलू कई वाले आसी छोटे बिरा को मैं ज्यादा खाना पे कले ये सामने जो है लॉफ्ट सेटअप है, काफी साफ सुथरा। कैसी लगी आपको वीडियो हमें ज़रूर बताएं, वीडियोस को शेयर करें। हाँ, ये भाई अभी बता रहे थे कि मोस्टली लोग जो हैं जब कंपटीशन होता है तो वो टाइम लगा देते हैं कि कौन सा पिजन किस टाइम में पहुंचता है, तो उस टाइप की डिफरेंट टाइप की ये ट्रेनिंग देते हैं। तो अभी ये नीचे उतारने के लिए ये बाजरा दिखा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे। और ये भाई कह रहे हैं कि हम दिखाते हैं वो पिजन कौन सा है और हम किस तरह ट्रेनिंग देते हैं। वो कबूतर वाला कितनी देर ही पहुंचे हैं? वो वाला यार बाकी चार एक बारी वाले ने कुछ उतराए वाले भाई मैं घंटे में वाला है उमा तो हक नहीं बनवा इतनी देर ना ना खोखरो पा दी जो घंटे या और उंदे रह गया तो अब तो लू कहीं बाद ना वाला के खोखरा बाद सफर तो इनने वैसे 5 मिनट का 5 मिनट ही देर है हां 5 मिनट ही ज्यादा यार कबूतर ये जी दोबारा नीचे आ गए ये पिजन्स। अरे के कबूतरी जड़ा है उमा तो सारे को सारे नर है सही है, ये सिर्फ यो कबूतरी असन इतवारी पकड़ी है गर्मी है। अच्छा ये रेस वाली? हां ये शूट वाले ने जांग है ना नंबर लिखा है जेड़े बंदे दा है। अच्छा वो नंबर अपना लिख के ना लिख के वो छोड़ टैग लगाया है। हां उन्होंने छोड़ देते। अच्छा ये निशान ही लाया उन्होंने अपना मेहंदी दा यानी कि मोहर ला दी उन्होंने। अच्छा मोहर लगी हुई है। अच्छा दोस्तों ये पिजन उन्होंने जेड़ा है ना यानी कि असन वाला नंबर मिला है वहां के यार वाकई साडी है असा क्या वो गेन वन हो यानी कि वो आए नहीं वाला बा वो आदन यार था को टाइम नहीं मिलता एहसास हो ये रसा के कबूतर का निशान लगे हुए हैं।
अच्छा ये अभी बता रहे हैं कि इन लोगों ने ये पिजन पकड़ा है, ये दूसरी पार्टी का था। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर कलर भी लगा हुआ है, ये इन लोगों ने कलर लगा दिया था। और ये लगी हुई है, ये जो अपोजिशन पार्टी है उन लोगों ने ये कलर लगाया था ताकि अपनी पहचान के लिए ये वापस आ सके। और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पाँव हैं यहाँ पर उन लोगों ने अपना नाम लिखा था और टैग, ये टैग नंबर लिखा था और अपना सेल नंबर भी लिखा था। इन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया था, ये जो अपनी यहाँ पे लिखा हुआ था ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है कि आप अपना आके पिजन ले जाएँ, लेकिन वो अभी तक नहीं है। और ये देख सकते हैं, इन लोगों ने यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग करवाई है और इसको ट्रेन किया है। क्या कबूतर है इसमें? अरे सर ये यानी कि पीला संदला है। अच्छा ये येलो संदला लोकल जबान में बता रहे हैं, लेकिन ये जो है ना रेसर है, ट्रेंड पिजन है। इन्हीं तक मैं हाल देना सारा ये ही है ना, ये ऐसा उन्हें कितने रखे वो दो त्रै बार ऐसा नंबर मिला है उन्हें, उन्हें की याद सुनी आ संग कम होने बंदे दे ऐसा, ये बिलाई भी उन्हें कितने बैठे हल्ले भी दिया गए चावे ऐसा ही कुछ खोले वाला ये निकल गए। अच्छा यानी कि निकल गए घंटे दो बाद वाला गला गए निकल गला वाला ये एक दीवार दिगर वाले निकले जरा ना बला दूजी दीवार सरे ना लगे। अच्छा बहुत बाल है। हाँ ये त्रीजी दफा बाल है, ये त्रीजी दफा यानी कि होन बात है कोई नहीं गया। अच्छा यानी कि होन अपने घर तो बंदा की कोशिश ही पूरी की थी। अच्छा पर ये होना सा वो बंदा कितो ध्यान जने दाए है वो है दुंबे बांध दे सिपर दे। अच्छा पोर्ट सुल्तान को पोर्ट सुल्तान। अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूं, ये किलोमीटर फासला है, ये जो वाले ही खड़ी है। अच्छा दोस्तों आपने स्टोरी सुन ली है, ये भाई बता रहे हैं कि जब ये पिजन पकड़ा था, ये रेसर पिजन, ये कोई 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ ये लोग रहते हैं, जब ये फर्स्ट टाइम छोड़ा तो ये चला गया, ये इन पिजन्स को छोड़ के चला गया। ये तीन बार छोड़ के ये जो जगह है आप देख रहे हैं, ये जो सेटअप है, लॉफ्ट है, पिजन्स हैं, ये छोड़ के चला गया और ये वापस आ गया दोबारा। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी ट्रेनिंग्स कैसे करवाते हैं और इनकी कैसे केयर की जाती है। ये देखें काफ़ी खूबसूरत है, ये ब्रीडिंग भी करवाते हैं जब सीज़न स्टार्ट होगा, ब्रीडिंग का एक मौसम होता है। तो वो भाई कह रहे थे कि आप आके बना सकते हैं वीडियोस। ये मैं थोड़ा आइस दिखाता हूँ, ये पिजन था वही है ना, अगर कितने सारा कबूतर लाए हुए जाली मरे।